हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. सो आज का वीडियो बेसिकली इस टॉपिक पे है, मुझे मीशो लाइव में जॉब कैसे मिली. सो गाइस, मैंने गलती से एक वीडियो अपलोड कर दिया था इंस्टाग्राम पे कि मैं मीशो लाइव में जॉब करती हूँ एंड ऐसा ऐसा है, मैं डेली वहाँ पे लाइव आती हूँ, आप लोग मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो. बस ये इस टाइप का मैंने वीडियो बनाया था. सो आप सबके इतने सारे भर भर के कमेंट और डीएम्स आए थे इंस्टाग्राम पे कि प्लीज़ आप बताओ क्या प्रोसेस है, कैसे आपको जॉब मिली मीशो पे, और क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, हम जॉब कर सकते हैं मीशो में, बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्या कैसे करना होगा. सो गाइज, मैं आपको आज वही क्वेश्चन आपके जितने भी हैं उनका आंसर करने वाली हूँ. सो मेरा नाम है अंजलि और आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो. इंस्टाग्राम की आईडी हो सकेगा तो मैं मेंशन कर दूंगी, चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में भी. और यस, आप लोग मुझे मीशो पे भी देख सकते हो, मैं डेली वहां पर लाइव आती हूँ 9:30 से 9:30 बजे के बीच में मेरी लाइव होती है ना. सब्सक्राइब कर लेना, ऑल बटन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आएंगी फ्यूचर में तो आपको मिल जाएंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा वेट नहीं करेंगे. वैसे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा वेट करा लिया है मैंने इस टॉपिक के लिए. सो गाइज, बेसिकली मुझे जो है जॉब मीशो से कैसे मिली मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ना एक्चुअली ये जो जॉब है ये बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स के लिए है. ओके, सो जिनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स में अच्छे खासे फॉलोवर हैं, आप सब जानते हो आजकल इसी की वजह से चीज़ मिलती है, काम मिलता है इन्फ्लुएंसर्स को. सो आप अच्छे खासे फॉलोवर हैं आपके एंड आपकी अच्छी खासी फेस वैल्यू है. सो मीशो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे वे हैं जिस वे में आप मीशो के साथ काम कर सकते हो. तो बाकी सारी चीज़ें तो अलग है, बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ लाइव के बारे में बातें करने आए हैं कि लाइव में कैसे ज्वाइन होते हैं. सो उसके बारे में बात करेंगे. सो मुझे एक्चुअली बहुत टाइम पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है. मैं 2 साल हो गए मुझे मीशो लाइव में जॉब करते करते, थैंक गॉड ऐसा ही चलता रहे, मुझे तो बहुत मजा आ रही है काम करने में. सो गाइज, 2 साल पहले एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी, यूट्यूब पे एक्टिव थी एंड साथ ही साथ मुझे मौज ऐप, एक्चुअली आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो बता दूं, ये शॉर्ट वीडियो ऐप प्लेटफॉर्म है. सो मौज में मैं भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी, तो वहां पे भी काफी सारे वीडियोज मेरे वायरल हुए थे. उस टाइम पे मैं फ्लिपकार्ट के साथ जॉब किया, एक कोलैबोरेशन टाइप चल रहा था. वहां पे क्या था, फ्लिपकार्ट के कुछ प्रोडक्ट्स जो है आप मौज लाइव में दिखाते थे एंड वहां पे भी लोग परचेसिंग करते थे. ये मीशो का भी आया कि मीशो में इस तरीके की जॉब की रिक्वायरमेंट है. सो आप एक बार देख लो, अगर आपके आपको अगर लगता है आप स्पेशली इस एरिया से हो, इस स्टेट से हो, तो आप एक बार देख लो. तो मैंने देखा एंड देन उसके बाद उसमें था कि फॉर्म वगैरह था. सो मेरे को वो फॉर्म भरना था. फॉर्म भरते टाइम ये था कि आप सूरत गुजरात से ही होने चाहिए, ठीक है. सो ये जॉब जो है सूरत गुजरात के लिए, आगे और भी प्रोसेस मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ के लिए है ये. सो स्पेशली ये जॉब सूरत गुजरात के लिए थी. सो मैंने बोला हाँ मैं सूरत गुजरात से हूँ, तो फिर मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया एंड सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में पूछा था कि आपके कितने फॉलोवर्स हैं, क्या है, वो सब मैंने फिलअप कर दिया एंड देन सेकेंड डेज के बाद ही मुझे तुरंत कॉल आ गया बैंगलोर से, यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए आए थे. बिकॉज मीशो का सारा जितना भी होता है काम, वो सारा बैंगलोर टीम वगैरह ही करती है, वहीं पर ही उनका ऑफिस वगैरह है. सो वहाँ से टीम यहाँ पर आई थी एंड वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे. मुझे भी सेकेंड डे फॉर्म भरने के बाद कॉल आया, तो मैं गई वहाँ पर, ट्रेनिंग दी एंड ये सब. फिर उन्होंने वहीं पर लाइव डेमो भी लिया मुझसे. सो उनको काफ़ी पसंद आया एंड पेमेंट भी बहुत अच्छी थी. एंड गाइस, पेमेंट नहीं बता सकती मैं. सो पेमेंट काफ़ी अच्छी थी. एक लाइव पर लाइव हमारा फिक्स होता है कि इतने लाइव का आप इतना करते हो एंड मंथली वो आपको पेमेंट मिलती है. सो पहले तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी एक लाइव की, मैं आपको बता नहीं सकती, बट बहुत ज़्यादा थी सीरियसली. सो गाइज, फिर उसके बाद जो है 1 ईयर समथिंग ऐसा चला. फिर उसके बाद 1 ईयर के बाद उन्होंने पेमेंट थोड़ी कम कर दी, बट फिर भी ठीक ही है. मैं आपको बता दूँ, इतनी पेमेंट है कि आप हर महीने एक आईफोन खरीद सकते हो, आप समझ जाओ.
सो इतना है. और इसके बाद लाइक ट्रेनिंग वगैरह हुई एंड उसके बाद मैं सेलेक्ट हो गई. एंड फिर पहले क्या था कि सेलर समथिंग लाइव होती थी, तो मैं सेलर के पास जाती थी, वो एड्रेस हमें का भेज देते थे एंड देन उसके बाद सेलर के पास जाते थे एंड वहाँ से लाइव करके वापस आते थे. पहले तो बहुत ज़्यादा हेडेक था कि लाइक हर नए लोकेशन में जाओ सेलर के यहाँ पर एंड देन वहाँ से लाइक लाइव वगैरह करके जाओ. तो एक दिन में दो दो तीन तीन लाइव ऐसे होती थी, कभी एक होती थी कभी दो. सो वो तो उनके ऊपर डिपेंड था कि उन्हें कितनी लाइव करवानी है हमसे. सो ये था. फिर वन ईयर के बाद उनका खुद का स्टूडियो बन गया. स्टूडियो भी स्टूडियो में फिर हम जाते थे एंड स्टूडियो में फिक्स हो गया कि लाइक हमें वहीं पर जाकर लाइव जाना है. मेन टॉपिक पे आते हैं कि लाइक आप लोगों को जॉब मिल सकती है नहीं. देखो अभी जो फिलहाल के लिए है ना कि अभी तो फिलहाल कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि लाइक उनको और भी इन्फ्लुएंसर या फिर और भी क्रिएटर्स चाहिए. बट अभी जो है उनका एक और नया स्टूडियो सूरत गुजरात में ओपन होने वाला है. सो हो सकेगा तो मुझे लगेगा कि लाइक कुछ लोगों को लाइक रिकमेंड करने जैसा है, क्योंकि मुझे भी किसी ने रिकमेंड किया था. तो मैं भी चाहूंगी कि मेरी थ्रू कोई जॉब जिस किसी को जॉब मिले, किसी का घर चले. नेक्स्ट स्टूडियो खुलता है सो मैं ज़रूर आप लोगों को जो है रिकमेंड कर दूंगी कुछ लोगों को, तो जिसकी लक होगी उसको मिल जाएगी जॉब. ठीक है. सो मैं 100% गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन इतनी गारंटी लेती हूँ कि नया स्टूडियो खुलेगा दूसरा उनका, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी एंड क्या प्रोसेस है वो भी बता दूंगी. अभी फिलहाल एक ही स्टूडियो है सूरत में. अच्छा हाँ, दिल्ली में भी स्टूडियो बाद में सूरत के खुलने के बाद दिल्ली में भी खुल गया एंड देन उसके बाद जयपुर में भी खुल गया. तो वहाँ की जो भी लाइक मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे भी अगर आप रहते हो सो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, लेकिन अभी नहीं, जब रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको बता दूंगी ऑब्वियसली. और वो कब आएगी उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट बोल तो रहे हैं होगा दूसरा स्टूडियो होगा. सो या फिर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. एंड देन ये सारी चीज़ें थी एंड मुझे काफ़ी टाइम से बतानी थी. आप लोग बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए. सो आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. ट्रस्ट मी गाइज, मैं बहुत ही हेल्पिंग नेचर की हूँ. सो अगर मुझे कोई ऐसी अपडेट मिलती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी. फिलहाल के लिए कोलैबोरेशन से रिलेटेड कि मैं मीशो में कैसे जॉब कर रही हूँ ये तो बता दिया, एंड मीशो के प्रोडक्ट कैसे शेयर करती हूँ वो सब, जैसे कि अनबॉक्सिंग वीडियो हो गया वो सब, सो वो कैसे कर रही हूँ, अगर उसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट में बता देना मुझे. जाते जाते डिस्क्रिप्शन में आपको जो है बहुत सारी चीज़ों की लिंक भी मिल जाएगी, सो वो भी आप चेकआउट कर लेना. जो आज के वीडियो में मैंने अमेजोन के प्रोडक्ट शेयर करे ना, उनको भी आप चेकआउट कर लेना. सो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी और तो कुछ नहीं है. आई नो बहुत सारे लोग मतलब बहुत ही इमोशनल कमेंट डीएम कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा यार कितने सारे लोग हैं जिनको जॉब चाहिए. सो एक टाइम तो मेरे मन में ऐसा आया कि लाइक यार मेरी खुद की कंपनी होती तो मैं सबको जॉब दे देती, बट मेरे हाथ में नहीं है गाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ये है और ऐसे ऐसे मुझे जॉब मिली है और अभी एक्चुअली परमानेंट भी नहीं कह सकते कि हम परमानेंट मीशो के साथ जॉब करेंगे ही करेंगे, बिकॉज उनका कहना है कि लाइक हमें भी कोई आइडिया नहीं है कि ये कब तक चलेगा लाइव लाइक मीशो लाइव, बिकॉज अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा उसकी हमें हम आपको कोई गारंटी नहीं देते, बिकॉज हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है. सो हमें जब तक काम मिल रहा है तब तक कर रहे हैं, ये चीज़ है बताना, तो आप उसे पूछ लेना कमेंट में. ओके गाइज, चलिए बाय बाय एंड जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना फ्यूचर अपडेट्स के लिए. ओके, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग धमाकेदार वीडियोस के साथ. हे गाइस, तो जाते जाते आपके साथ मेरी बेस्ट परचेसिंग आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मैंने अमेजोन से मंगाई है. अगारो ब्रांड का ये हेयर वॉल्यूमनाइजर टूल, जो कि काफ़ी अमेजिंग ब्रशेस के साथ आता है. इसमें आपको दो तरीके की हीट्स मिल जाएंगी और तीन तरीके की स्पीड आपको जो है ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्पीड कम ज़्यादा करने के. यहाँ पर आपको नोच मिल जाती है काफ़ी अमेजिंग पकड़ने के लिए, जिससे आप इजीली बिना जले आपके बालों को जो है अच्छे से कोम कर पाओगे. सो कुछ इस तरीके से मेरे बाल देखो काफ़ी ज़्यादा बैंड हो चुके थे, सो इससे मैं अभी ट्राई कर रही हूँ. देखिए आपको सामने रिजल्ट मिलेगा. सो काफ़ी ईजिली आप जो है इससे बालों को आप कोम कर सकते हो. एक अलग सी आपको साइन दिखेगी बालों में, मैनेजेबल आपके हेयर लगेंगे, आप देख सकते हो. एज यू कैन सी दोनों साइड आपको डिफरेंट दिख रहा होगा.
सो आप चाहो तो ये वाला ट्राई कर सकते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड स्पेशली अगर आपके बाल गीले हैं ना, तो आप गीले बालों में भी इसको यूज़ कर सकते हो, ये सेफ है बिल्कुल। सो मुझे तो ये बहुत पसंद आया, स्पेशली इसमें जो जो स्पीड है ना उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो वो भी मुझे बहुत सही लगा। एंड जो इसमें जो हीट निकलती है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो वो भी मुझे बहुत सही लगा। सो अपने हिसाब से आप जो है इसको एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। सो ये कभी भी आप यूज़ कर सकते हो डेली यूज़ के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मेरे बालों में एक अलग ही शाइन, और मेरे बाल कितने स्ट्रेट दिख रहे हैं ना, आप इससे कर्ल्स भी कर सकते हो, मतलब हल्का सा नीचे वॉल्यूम भी लेकर आ सकते हो। इस प्रोडक्ट का अमेज़ॉन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाय।